हेलो कॉनकरर्स, कैसे आप सब लोग। मैं शुभ ढोलकिया कॉनकरर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले कि केवाईसी क्या है और उसकी नीड क्यों है। पहले तो देख लेते हैं कि केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है, जो मैंने पीछे दे दिया है। नो योर कस्टमर्स, अपने ग्राहकों को पहचानिए। तो यार आपको लगता होगा कि केवाईसी तो बहुत टफ होता होगा, मतलब उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, राइट। तो केवाईसी आपने एक बार करवा ही लिया है, आपने जब अपना सिम कार्ड लिया था तो आपने जो डिटेल्स फिलअप की थी उसको ही तो केवाईसी बोलते हैं, राइट गाइस। तो गाइस ये जो केवाईसी है वो अपने इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई का एक बहुत अच्छा रूल पास हो गया है, क्योंकि जो चीटिंग के केस है वो बढ़ते जा रहे थे, जो फ्रॉड के केस है वो बढ़ते जा रहे थे। तो ये जो फ्रॉड और चीटिंग है उसको कम करने के लिए ये केवाईसी लेके आ गया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि केवाईसी कहाँ कहाँ पे आपको कम्प्लीट करवाना रहता है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट साइट एज इन पेटीएम यूज करते हैं तो उसके लिए भी आपको केवाईसी कम्प्लीट करवाना पड़ेगा पेटीएम में ही। अगर आपको नया बैंक अकाउंट खुलवाना है या फिर म्यूचुअल फंड्स अकाउंट खुलवाना है या फिर आपको बैंक का लॉकर खुलवाना है तो भी आपको अपना जो केवाईसी है वो कंप्लीट करवाना रहता है। अगर आपका अकाउंट है बैंक में वो इनएक्टिवेट हो गया तो अगर आपको फिर से एक्टिवेट करवाना है तो आपको दूसरी बार अपना केवाईसी का जो पूरी डिटेल्स है वो फिलअप करवानी पड़ती है, राइट गाइस। पहले तो जान लेते हैं कि केवाईसी की नीड क्यों है। केवाईसी आपकी जो रियल आइडेंटिटी है वो एश्योर करता है, जो आपकी पहचान है उसको वो सुनिश्चित करता है, राइट गाइस। तो अब आपको दो सवाल होंगे, अगर आपको पेटीएम में अपना जो केवाईसी है वो कंप्लीट करवाना है तो उसमें कैसे करवा सकते हैं, या फिर बैंक में कंप्लीट करवाना है तो उसमें कैसे करवा सकते हैं। अगर आपको बैंक में करवाना है तो आपको बैंक में ही जाकर कंप्लीट करवा लेना है, राइट गाइस। उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे मैंने दे दी है। आपको सिर्फ तीन चीज चाहिए, पूरी लिस्ट में तीन चीज ही है यार, मतलब एक तो आपको अपना रिसेंट फोटोग्राफ देना है, दूसरा आपका फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, और तीसरा आपका एड्रेस प्रूफ। मतलब आप अगर आपके पास अपना जो आधार कार्ड है या पैन कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है तो वो उसमें से हो जाएगा, लाइसेंस से भी हो जाएगा, राइट गाइस। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर आपको ये जो अपना केवाईसी है वो बैंक से खत्म करवाना हो तो आपको डायरेक्टली बैंक में जाना है और पूरा फॉर्म फिलअप कर लेना है, राइट। अगर आपको पेटीएम से कम्प्लीट करवाना है तो उसके लिए आपको अपने जो नियर बाय पेटीएम सेंटर्स है वहां पे जाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है कि नियर बाय कौन से पेटीएम सेंटर्स है जहाँ पे मैं अपना केवाईसी खत्म करवा सकता हूँ तो अभी हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और आपको वहीं पे दिखा देंगे कि हम पेटीएम के नियर बाय जो सेंटर्स है वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं अपने पेटीएम ऐप पर। तो चलिए गाइस पहले उस पे चलते हैं, राइट। पहले तो हम अपनी स्क्रीन पर आ गए अभी, उसमें आपको पेटीएम में जाना रहेगा। पेटीएम में डायरेक्टली जाने के बाद ऊपर आपको जो स्क्रोल बार होगा उस पे जाना है, यहाँ पे, राइट। तो उस पे आपको दो बार स्क्रॉल करना है तो थर्ड टैब पे आ जाएगा, सेकेंड वन, वहां पे जो है नियर बाय केवाईसी पॉइंट्स, तो डायरेक्टली आपको उस पे क्लिक कर देना है। उसमें जाने के बाद आपको जो अपने नियर बाय जो भी सेंटर्स होंगे या जो भी पॉइंट्स होंगे उसका एड्रेस दिया होगा, पहले जो होगा वो आपके एकदम नियर होगा, फिर सभी डिस्टेंस वाइज आपको लिस्ट में दिए होंगे, तो आपको जो भी जिस पे भी जाना है उसमें आप जा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो यार लास्ट 20 सेकेंड्स में मैं यहाँ पे एक कार्ड दे दूंगा, वहां पे डायरेक्टली आपको टच करके जो हमारा सब्सक्राइब बटन आएगा उससे सब्सक्राइब कर लीजिए यार हमारे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना तो हमारा जो मोटिवेशन है वो ऐसे ही बना रहे। तो यार आज हम इसके बाद देख लेते हैं कि वो सेंटर पे जाकर आपको डायरेक्टली बोलना होगा कि यार केवाईसी करवाना है। केवाईसी के लिए कोई चार्जेस नहीं होते और केवाईसी करवा लेना चाहिए यार, क्योंकि वो जो आपकी एश्योरेंस हो जाती है एक तो, और जो चीटिंग केसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, सही है यार। तो लास्ट 20 सेकेंड्स है तो यहाँ पे मैंने अपना जो कार्ड है वो ऐड कर दिया है, तो सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, आपको कहीं पे नहीं जाना है यार, डायरेक्टली यहीं पे सब्सक्राइब बटन मिल रहा है, सही। तो यार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।